नाम है ओम। आप देख रहे हैं ओम आदित्य हैट्स। फ्रेंड्स, अब दिवाली आने वाली है, तो आप लोगों ने भी अपने घर को डेकोरेट करने के लिए बहुत सारे आइडिया सोचे होंगे। मैंने भी एक आइडिया सोचा है। इस दिवाली मैं अपने घर को कैंडल और लाइट से डेकोरेट करूंगा। ये देखिए, लग रहे हैं ना, ये बहुत ब्यूटीफुल। हाँ, ये कोई वैक्स और जेल से नहीं बने हैं, ये सिर्फ वाटर से बने हैं। तो जल्दी देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। तो आओ देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, इस वाटर कैंडल को बनाने के लिए चाहे आप प्लास्टिक का ग्लास भी ले सकते हैं, और या तो कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास ले सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमको इसके अंदर कुछ डेकोरेटिव सामान डालना होगा, मार्बल्स, पेबल्स, ग्लिटर, कुछ भी। इसको डालने के बाद हमको इसमें थोड़ा वाटर डालना होगा। ये वाटर हो जाए तो उसके बाद हमको ऑयल डालना है। नहीं, हम थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि ऑयल डजंट डिजॉल्व इन वाटर, इट फ्लोस फ्लोट इन वाटर। तो हमको इसमें ऑयल की एक लेयर बना लेनी है। देखो ये कैसे फ्लोट हो रहा है। अब हमको एक पनेट, इसमें हम एक प्लास्टिक की शीट लेंगे और उसको एक सर्कल की शेप में काट लेंगे। फिर उसे हम उसको हमको मतलब काटना है। इसमें हम बीच में छोटा सा होल कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, अब हम एक पिक लेंगे जिसको हम बाती भी कहते हैं। आप ये मार्केट से भी ले सकते हैं और कॉटन से भी बना सकते हैं। अब हमको इसमें थोड़ा ऑयल डालना है। अब हमको इसको विक को इस होल में से निकाल लेना है। अब हमको इसको बहुत जेंटली इस ग्लास में डालना है। अब हमको इसको जला लेना है। देखो ये कितनी सुंदर लग रही है। लाइट ऑफ होने पर अभी और भी प्यारी और सुंदर लगती है। अब आप भी इसे अपने घर में बनाओ और मुझे कमेंट में बताओ आपकी ये कैसी बनती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मुझे एक प्यारा सा लाइक दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय, हैप्पी दिवाली।